गहरी सांस ले, अब छोड़, वापस छोड़। गुड, अब बता ये गहरी सांस ले और छोड़ क्यों रहे तू? मुझे श्रुति का फोन आया था, कह रही है शादी के बाद जॉब नहीं करेगी, यहाँ सर पे 50 टेंशन है, कल शादी है मेरी और शेरवानी नहीं आई अभी तक, 15 कजन बैठे हैं घर पे, कोई भी नहीं जा रहा लेने को, और वो जो जुत्ती ऑनलाइन ऑर्डर की थी ना वो भी डिलीवर नहीं हुई अभी तक, कल मंडप पे साली क्या चुराएगी बताओ, ऊपर से वो कोरियोग्राफर वो पीछे पड़ा हुआ है मेरे, नाचो नाचो, अरे नहीं नाचता, नहीं नाचता मेरे को, अरे नहीं 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 मत नाच, रिलैक्स, अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से घबरा गए, तुम पहले बंदे हो जो शादी कर रहे हो, नहीं ना, लेकिन ऐसे पैनिक करते रहोगे ना तो तुम पहले इंसान जरूर बन जाओगे जो शादी के बाद वर्जिन बन गया, ऐसे नहीं करना ना, सिट बैक रिलैक्स, मैं समझाता हूँ ना, एक्सपीरियंस है, लेकिन टाइटल के बाद। मतलब आप कह रहे हो कि कल से मेरा सारा खाली वक्त उसका, अपना फेवरेट शो देखने के लिए भी मुझे उसका वेट करना पड़ेगा और फोन का पासवर्ड भी शेयर करना पड़ेगा? फोन का पासवर्ड नहीं, बैंक डिटेल्स, दिन भर की सारी ऑफिस की गॉसिप्स और इनफैक्ट हार्ड डिस्क भी शेयर करनी पड़ेगी। अरे हार्ड डिस्क थोड़ी ना शेयर करूंगा भैया, उसमें कितने गंदे वीडियोस हैं, वो डिलीट कर दिए तो क्या? आपको मैं एंग्जायटी कम करने के लिए बुलाया था, बढ़ाने के लिए नहीं। अबे यार ये छोटी चीजें हैं यार, तो थोड़ा टाइम दे अपने आप को, ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी लगने लगेंगी, एक बार होम लोन तो ले ले, तुझे प्रॉब्लम क्या है? अरे यही प्रॉब्लम है ना कि वो शादी के लिए तैयार नहीं हूं मैं, और वो श्रुति 2 साल से तैयार बैठी है, बच्चों के नाम तो छोड़ो, उसने वो स्कूल कॉलेज तक डिसाइड कर रखा है, और मैं यहाँ स्पर्म काउंट को लेकर भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लगता है इतने कम है कि उंगलियों पर गिन लूंगा। शादी के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ सेम टू सेम रहता है एकदम। हाँ मतलब जहां भी जाओगे सिर्फ बीवी को साथ में ले जाना पड़ेगा, सोलो ट्रिप पे भी। इतना ही नहीं, बाहर का खाना खाने को नहीं मिलेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी काम करने से पहले माँ के साथ साथ बीवी की भी परमिशन ले लेना। तो इसका मतलब उसको भी मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी? अबे हद में रहे, तू कौन होता है उसे परमिशन देने वाला? हाँ वो जो चाहे कर सकती है, शी इज एन इंडिपेंडेंट वूमन, उसके पास तुम्हारा क्रेडिट कार्ड होगा, सो ट्रस्ट हर। आई ऑब्वियसली ट्रस्ट हर, बट नॉट आवर फैमिलीज। आपको पता है आज सुबह मेरी मम्मी और उसकी मम्मी में किस बात पे झगड़ा हुआ है? कि पंडित किसकी साइड से आएगा। पिछले 5 साल में मेरे श्रुति के इतने झगड़े नहीं हुए जितने पिछले 1 हफ्ते में होंगे। अब समझ में आ रहा है मंडप से क्यों भाग गए थे आप? मंडप से इसलिए भागा था क्योंकि मेरी शादी कुतिया से हुई थी। भाभी कितनी भी घमंडी हो आप कुतिया मत बोलिए प्लीज। अरे भाभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी शादी वाकई कुतिया से हो रही थी, ये रीति रिवाज है, तू नहीं समझेगा, छोड़, तू अपनी बात कर ना। क्या तुझे भागरत से प्रॉब्लम है? नहीं परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं, नहीं होते happens, it's... नहीं मुझे 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 कोई नहीं थे, मेरा इट वॉज फर्स्ट क्लास। तुझे हो रहा है क्या? पता नहीं यार, एक साल से किया ही काम है, वो श्रुति के कहने पे ऑस्पिशियस डे के लिए सेव कर रहे हैं, और यहाँ क्या ही होगा, अपने कमरे में बैठ के फिल्म देखता हूँ तो पापा के कमरे में आवाज आती है, वो भी जब हेडफोन्स पे, या क्या मनाऊंगा स्वागत में? तो मंडप पे बैठ तो सही, मजा आ जाएगा, जो अटेंशन मिलती है ना याद रहेगी जिंदगी भर। नहीं बैठ सकता। क्यों क्यों नहीं बैठ सकता? मैं नहीं बैठ सकता। अरे क्यों नहीं बैठ सकता भाई? अरे नहीं बैठ सकता मैं। अरे यार इतनी देर से बैठा है, क्यों नहीं बैठ सकता? तकिया रखा हुआ है नीचे। तकिये पे क्यों बैठा है? फाइल्स है मुझको। ओ, इसलिए भी तेरा कॉन्फिडेंस लो है, तो शादी से भाग रहा है, कब से हो रखा है फाइल्स? 2 साल से है, पर पिछले 4 महीने से कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया, पर मैं आइस पैक लगाता हूँ ठीक हो जाएगा शायद। आइस पैक लगाने को किसने बोला? ऐसे व्हाट्सएप पे पढ़ा था। व्हाट्सएप में कुछ भी आएगा तो कर लेगा क्या, मुझसे क्यों नहीं बोला पहले? सुन प्रिस्टीन केयर पे जाओ और एक्सपर्ट डॉक्टर से सर्जरी करवा ले,
मैंने अपने साले को पिछले साल बताया, खुश हो गया इस साला, और मज़े से अपने हनीमून पे फोकस कर, इंजॉय कर। क्या हनीमून पे जाऊंगा मैं भैया, मैं सोफे पे तो बैठ नहीं पाता हूँ, इतनी लंबी फ्लाइट में कैसे बैठूंगा मैं। चाट खाना मेरे को इतना पसंद है, मैं चाट नहीं खा सकता हूँ, बवासीर के चक्कर में पूरी जिंदगी बवासीर हो गई है मेरी। अरे यार मैं तेरे को बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सोल्यूशन है, ये देख, ये प्रिस्टन केयर पे जा, अपनी पैल्स की सर्जरी करवा, यहाँ पे देख, ये पर्सनल केयर बड़ी भी असाइन करते हैं, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल एडमिशन, अपॉइंटमेंट, ए टू जेड सब मैनेज करते हैं ये लोग। ये ले, एक क्लिक में तेरा अपॉइंटमेंट भी बुक हो गया। अब बिंदास चिल कर और शादी पे फोकस कर। ये तो आसान था, पर क्या शादी करना भी इतना ही आसान होगा? बॉयफ्रेंड बन के ना डेट पे जाना आसान होता है, पर हस्बैंड बन के रोज घर आना ना बहुत मुश्किल होगा। आपको पता है, हर साल श्रुति के बर्थडे के एक रात पहले ना मुझे नींद नहीं आती है, ये सोच के कि उसको मेरा गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं। और कल तो मैं उसको पूरी लाइफ देने वाला हूं, उसको मेरा लाइफस्टाइल ही पसंद नहीं आया तो। एक सौ तीस हो गया था मेरा ब्लड प्रेशर शादी से एक दिन पहले, यही हाल था मेरा। दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही थी कि दिमाग ही नहीं चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई खेल है जिसके मुझे रूल्स भी नहीं पता है, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट तो कर ही लिया है इसमें। अब फिर क्या किया आपने? पार्टिसिपेट कर लिया था तो शादी कर ली। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शादी तो वाकई ये खेल है, वो भी क्रिकेट का, लेकिन T20 नहीं, टेस्ट मैच। यहां वो इंसान नहीं टिकता जो हर गेंद पर रन बनाना चाहता है, बल्कि वो इंसान टिकता है जिसे गेंद छोड़नी आती है। यह पहली बॉल पर सिक्स नहीं मारा जाता है, विकेट पर टटे रहना पड़ता है और अपने नॉन स्ट्राइकिंग एंड के पार्टनर के साथ तालमेल बनाना पड़ता है, कब दौड़ा जाए, है ना? और कभी भी डाउट्स हो तो अपने पार्टनर से बात करो, क्या पता उसको भी सेम डाउट्स हो। इसलिए अपना फोन ऑन कर, श्रुति तुझे कॉल कर रही है। लव यू भैया। लव यू टू। पता है आप नहीं आते ना तो मैं भागने वाला था। सच में ये देखो, ढाका की टिकट, मैं निकलने वाला था। पागल है क्या तू? छोड़ इसको, कॉल कर उसको। हाँ मैं ऑल द बेस्ट। ठीक है, हाँ थैंक यू भैया। हाँ श्वेता, बार बार क्यों कॉल कर रही है यार? इतनी छोटी सी तो बात है। आ रहा हूँ ना, टेस्ट मैच में भी ब्रेक होता है ना, ड्रिंक्स ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक प्लीज। आ रहा हूँ तुम्हारे पास ही, आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ। गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके यार ने शादी ना करने के कौन से बहाने दिए। गाइस अगर आपको भी गोपाल की तरह पाइल्स की प्रॉब्लम है तो प्लीज प्रिस्टीन केयर जाइए। प्रिस्टीन केयर में पाइल्स, हड्डियां जैसी 50 से भी ज्यादा डिजीजेस की सर्जरी होती है विद लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी, और वो आपको देते हैं केयर वाला यार, यानी एक पर्सनल बड़ी जो सर्जरी से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। तो सर्जरी यानी christiancare.com, एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू द वायरल फीवर।